आपस में मेंटोर्स की फाइट हो जाती है कि भाई इस बार एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप वाली गेम तो खेली होगी। सांप सीढ़ी, क्रिकेट जिसमें वो घुसंड मारते हैं, सब खिलाड़ी हैं। प्लेग्राउंड में मैंने, तुमने, हम सब ने गिल्ली डंडा, क्रिकेट, पकन पकड़ाई बहुत खेला है, लेकिन ये प्लेग्राउंड बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि ये है वर्ल्ड का पहला और नंबर वन गेमिंग एंटरटेनमेंट रियलिटी शो, जिसमें होगा भरपूर ड्रामा, एंटरटेनमेंट और धुरंधर होंगे ये मेंटोर्स। सो लेट्स टॉक विद देम एंड सी कि सीजन 3 में क्या लेवल अप हुआ है। सो वेलकम एल्विश यादव। थैंक यू। एंड वी हैव द ओजी प्लेग्राउंड के मेंटोर कैरी मिनाती, एंड देन वी हैव द न्यू एडिशन उज्ज्वल, टेक्नो गेमर्स, बेसिकली जो गेमिंग के टेक्नो के ओपी कहे जाते हैं गेमिंग के, उज्ज्वल वो हैं, एंड देन वी हैव मॉर्टल, अनदर ओपी ऑफ गेमिंग। ओजी, ये भी ओजी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट फील प्लेग्राउंड सीजन 3, क्या लेवल अप हुआ है, क्या फीलिंग है? किससे पूछ रहे हो आप? चारों से, डेफिनेटली ये चारों से क्वेश्चन है, दिस इज अ ओपन क्वेश्चन। वेरी बेटर बता पाया। मुझे तो पता नहीं लेवल अप कैसे होगा, क्योंकि मेरा तो पहला सीजन है। ओके, तो इनने कर रखे हैं ये दोनों पहले दो सीजन, तो इनको पता होगा लेवल अप कैसे हुआ। मेरे लिए तो लेवल अप ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम आ गए हैं तो और लेवल अप हो गया। नाइस, कैरी वुड यू लाइक टू आंसर दैट? नहीं, बेसिकली तो हमने पिछले फॉर्मेट्स में क्या किया था ना, क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमारा बीच में ऐसी सिचुएशन आई थी कि एक जगह पे एंटरटेनमेंट ज्यादा वैल्यू मिल रही है, किसी को गेमिंग में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। इस बार थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड आउट है, और उसके स्टेक्स बढ़ा दिए हैं, गेम्स भी हमने काफ़ी चेंज किए हैं, तो बेसिकली यही हमारा लेवल अप है। और जो कंटेस्टेंट्स हैं इस बार, हे भगवान, कोई कहना चाहेगा? मेरी टीम का एक कंटेस्टेंट है, आप सब जानते हैं वो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, उसका तबाही करो, तबाही भी नहीं। कौन, जिसने फूल दिया मुझे? ऐसे बहुत अलग अलग कैरेक्टर लिए हमने इस बार, जो मैं खुद ही बोल रहा था टीम से कि ये कहाँ से उठा के ले आए, कहाँ से मिल जाते तुम ऐसे कैरेक्टर, और वो ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है कहीं से लाए हैं उसको। तो इस तरीके से कैरेक्टर है वो, काफी डिफरेंट, तो इस तरीके से काफी लेवल अप है। और एक चीज और चेंज हुई है इस सीजन में, मतलब मैंने पिछले दो सीजन देखे हैं, तो उसमें ऐसा बिड वाला सीन था। ओके, तो मतलब ऐसे तुम प्लेयर्स को बाय करते थे उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और आपस में होता था कि जो सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है। बट इस बार ऐसा सीन नहीं है, इस बार ऐसा है कि हमें बटन दबाना है, 1 2 3 गो। अगर हमें बंदा पसंद आ रहा है तो, और अगर दो लोग बटन दबा देते हैं, तो फिर आपस में मेंटोर्स की फाइट हो जाती है कि भाई हम आपस में लड़ जाते हैं कि तू मेरी टीम में ऐसा ऐसा हो जाता है। उज्ज्वल का ये है कि उज्ज्वल की कैटेगरी है कि जो इस ये सिलेक्ट करेगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको योगा करना आना चाहिए, है ना? रे यार, वो पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं है इसका कुछ। पर योगा वाली बंदी मेरी टीम में, ये गेमिंग वाले में ये योगा कहां से इंट्रोड्यूस हो गया? इनको पता नहीं क्यों, इनको जो भी योगा करे, ये जो नए आए हैं ना, इनको योगा से बड़ा प्यार है। मेरी टीम में है भी योगा से ही होगा। इस बार एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बहुत तगड़ा है। योगा मतलब जैसे किसी को योगा आता है, किसी को हाथ पढ़ना आता है, ये वो तो बहुत तगड़ी एथलेटिक्स है। मतलब मोटल की शादी की डेट रिवील हुई है भाई, जो कि बहुत बढ़िया है। इसकी शादी कभी नहीं हुई थी, तेरी थी, लेट हुई थी। अच्छा, मोटल की शादी लेट होगी। और एल्विश को क्या बोला था? इसको बोला था कि मेहनत कम करेगा मिल ज्यादा जाएगा फेम। आप कम मेहनत में बहुत ज्यादा लाइक फेमस हो जाते हो। मुझे भी हाथ पढ़ना आता, इसके बाद मैं सबका हाथ पढ़ूंगा। चलो भाई, एक एक करके अगली बार हम इसको ही बनाते हैं ज्योतिषी, सबके एक एक करके हाथ पढ़ेगा। जल्दी करवा दियो शादी, बस मैं करवा दूंगा, तुम्हारा रिश्ता लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो कैरी एंड मॉर्टल, आप दोनों एक एक सीजन बेसिकली कर चुके हैं, एंड यू टुक अ सबैटिकल एक सीजन का, राइट? सो आप दोनों के लिए बेसिकली क्या फील है, व्हाट वाज द क्राइटेरिया जब आप टीम चूज कर रहे थे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है आप दोनों के पास कहीं ना कहीं। लास्ट टाइम जब हम लोग स्टैट्स देख रहे थे, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई बंदा गेमर है या एंटरटेनर है। बट इस बार इट इज़ वेरी एविडेंट, जब भी बंदा सामने आता है हमें पता है कि ये बंदा
हम लोग फॉर गेमिंग ले रहे हैं या फॉर एंटरटेनमेंट ले रहे हैं. ओके. तो वो चीज़ हम लोग को इस बार बहुत ज़्यादा यू नो बहुत क्लियर है कि हमें कैसे टीम लेनी है. एंड ट्रायआउट्स खत्म होते ही मैं कैरी को वी वर हैविंग अ डिस्कशन एंड वी वर लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों ने आज कैसा दिन बिताया है साथ में. कुछ तगड़ा हुआ है. बहुत तगड़ा हुआ. बहुत तगड़ा हुआ है. अनएक्सपेक्टेड था वो तो दिन बहुत ही ज्यादा. मतलब ये भी है ना, इस बार पिछली बार शायद से टीम जीतती थी, इस बार एक ही प्लेयर जीते. वो सीन है. तो हमें जब बंदा ऐसे जो आपने पूछा चूज करने का, तो पिछली बार ये लोग भी ऐसे पूरी टीम बनाने के हिसाब से चूज कर रहे थे. इस बार भी टीम बनानी है क्योंकि टीम भी आगे तक जानी चाहिए, तब तुम्हारी टीम का बंदा जीतेगा. मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं. इससे मेरे को आपको सवाल आया कि यही रियलिटी शो क्यों, लाइक यू डोंट डू स्ट्रीमिंग, आप गेमिंग नहीं करते, बट ये रियलिटी शो एल्विश यादव ने क्यों चुना? एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग, उसकी जो ऑडियंस है ये जानना चाहती है, प्लेग्राउंड क्यों? क्योंकि यही आया ना पहले मेरे पास. तो ये आया, मैंने चूज कर लिया. जिसका ऑफर आया वो जिनका पहले आया पकड़ लिया. हाँ. मैंने कि चलो करते हैं. ये भी ठीक है. टेक्नो एंड यू आर द ओपी ऑफ गेमिंग, आपकी इस शो से, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज इट्स गोइंग टू बी यू नो बहुत सारी गेमिंग होगी, कंटेस्टेंट्स को टास्क दिए जाएंगे, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, स्ट्रैटेजी क्या है? चार प्लेयर चूज कर लिया, जो कि एक है भाई बहुत प्रोफेशनल गेमर है. Okay. एक है जो फिजिकल टास्क में पास होगा, बट प्रॉब्लम ये भी है कि उस फिजिकल टास्क वाले को गेम कम आती है, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड है. योगा. अरे योगा वाली एलिश की टीम मेरे पे योगा. उसको हाँ. भी आती है. तो तू तो, तो, तो जल रहा होगा ना इससे. अरे कहाँ से योगा, कहाँ से आ गया यार. एक कंटेस्टेंट आया था तो योगा कर दी थी 2 मिनट, तब से योगा 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 भाई, योगा ही नहीं. और आज तो बढ़िया भी लग रही है वो. कह रहा भाई भाई वो चेंज नहीं हो सकता भाई, वो अपनी टीम लाने की नहीं. ओह माय गॉड. ओके. ये झूठ है, कटेगा. क्यों? एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस बार. सब कुछ मैटर करेगा, ऐसा नहीं है. वैसे गेम सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है, 50% गेम है, बाकी फिजिकल टास्क और एंटरटेनमेंट बाकी 50 में. डू यू थिंक, क्योंकि एल्विश आई फील सो यू आल्सो हैव दैट एंटरटेनमेंट क्वेश्चन आपका भी, तो आप दोनों को कहीं लगता है कि कहीं एंटरटेनमेंट में इन दोनों की टीम कहीं थोड़ा ऊपर मार्क्स ना ले जाए? ऐसा कुछ भी नहीं, आप जानते नहीं उन दोनों को. मैं तो ये दोनों पार्टी के सेम में गेमर हूं, एंटरटेनमेंट अपना नहीं है, मैं गेमर फुल एंटरटेनर. ये तब होता अगर ये मजाक में पार्टिसिपेंट्स होते तो. रियली आप देखो, आप समझो, देखो इन्होंने भी बहुत एंटरटेन किया है और ये तो फुल एंटरटेन. मैं मिल लिया, मैं समझ गया हूं. दोनों एंटरटेनमेंट. और भाई ने तो सांप वाली गेम तो खेली होगी. सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, लूडो, क्रिकेट, वो वाला जिसमें वो घुसंड मारते हैं, वो घुसंड मारने वाला, कैंडी क्रश, वो हथौड़ा मारने वाला, हथौड़ा मारने वाला, ये मेरे फेवरेट. कैंडी क्रश है ना. हां, कैंडी का पता नहीं पर क्रश तो करा, क्रश तो खेला है. तो फिर वही कह रहा हूं, सब खिलाड़ी हैं यहां. अच्छा, क्योंकि आपने बोला बहुत एक एक कैरेक्टर है, तो क्या प्ले ग्राउंड Amazon मिनी टीवी पे जो प्ले ग्राउंड सीजन 3 आ रहा है, कैन बी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ड्रामा एंटरटेनमेंट? क्योंकि इंडिया में क्या है ना, कहीं भी सड़क पे लड़ाई हो, ड्रामा हो, लोगों को फ्री में देखने को बहुत अच्छा लगता है, तो Amazon मिनी टीवी पे प्ले ग्राउंड फ्री आ रहा है, कैन बी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट? उम्मीद रख सकते हैं. क्योंकि इस बार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग जब ट्रायआउट्स में ही ट्रायआउट्स में बहुत गंदे लोग घर में छोड़ देंगे तो पता ही नहीं क्या होगा. सो टेल मी अबाउट दिस ट्रायआउट थिंग, क्या हुआ? कुछ ट्रायआउट्स में दो जन का कुछ पीछे बहस हो गई थी, किसी के कान भर दिए गए थे, कुछ हो गया था. एंड ही वाज वेरी, ये तो पिछले बार भी हुआ था जो भी है, बट इस बार क्या हुआ कि जैसे एक जन को कैरी ने उठा लिया और एक जन को दूसरे मेंटर ने किसी और ने उठा लिया. हमने उन्हें घर में भी डाल, लड़ाई होने के बाद भी घर में डाल, जानबूझ के उनको एक घर में डाल दिया है. लो, जिन दो की लड़ाई हुई थी उसमें एक एलविश की टीम में, एक मेरी टीम में, अब वो अंदर जाके तो और लड़ने वाले, वो अंदर तोड़ देगी सब कुछ. सो डबल ड्रामा, डबल एंटरटेनमेंट फ्री में मिल रहा है Amazon मिनी टीवी पे प्ले ग्राउंड में. सो डोंट मिस इट यार. फ्री में ड्रामा किसको पसंद नहीं है? एवरीवन लाइक्स इट, स्पेशली इन इंडिया. ठीक है,
वी डोंट मिस दैट. और कैरी, आई हर्ड दैट लास्ट सीजन में आप वो हेड मास्टर थे, यू नो, जिस जो सबसे स्ट्रिक्ट होता है. इस बार भी यू वर द सेम वन ऐसे था, क्योंकि पिछले दो सीजन यू वर वेरी स्ट्रिक्ट, दैट्स व्हाट वी हर्ड फ्रॉम द अदर मेंटर्स. हमने सुना अभी अभी इस बार मैं सुधार आ गया. हाँ, इस बार मेरी थोड़ी पैसिव स्ट्रेटेजी है. इस बार मैं इतना वो नहीं करना चाहता आपस में कंपेटिटिवनेस थी कि नहीं मुझे ये कंटेस्टेंट लेना है, मुझे ये कंटेस्टेंट लेना है, उस तरह की भिड़ंत कुछ देखने को मिली क्या? ऐसा 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 सच नहीं था कि जहाँ पर हम बहुत ज्यादा कि नहीं 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 ये तो हमें चाहिए. अब हो क्या रहा था ना कि जैसे ही कोई रियलाइज कर रहा था ना, अरे ये तो मुझे चाहिए था, दूसरा ऑलरेडी लेके जा चुका था, तो देर वॉज नो पॉइंट इन डिसाइडिंग कि अच्छा ये मेरा ये मेरा. अब हमारी क्या है कि हमारी वो जो कैटेगरी है वो ऑलरेडी भर चुकी है उस चीज की, जैसे प्रो गेमर है, अब हमें वो लेना है. तो जैसे मैंने ले लिया, मॉर्टल ने एक ले लिया, अब हम चाह के भी दूसरे लोग ले नहीं सकते, तो देर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन दैट. तो एज सच वो कॉम्पिटिशन नहीं है, बट आई थिंक हमने ज्यादा मजे ही लिए हैं. और मैंने तो योगा वाली भी, हाँ इसने तो योगा वाली भी ले ली टेक्नो भाई, टेक्नो भाई की देखो शर्मा रहा, उदास भी हो रहा है भाई इनका. ये योगा योगा से तो अरे कुछ ज्यादा ही मैटर, अब ये अभी बढ़ रहा है तो कुछ भी कुछ अलग कनेक्शन है ये योगा से है ना. देखो कैसे योगा सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ रही है, टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. टारगेट का कर रहा हूं, योगा योगा योगा. अच्छा क्या सीजन 2 में आपने क्यों स्किप किया था? यू वर देयर बट ये पहाड़ चढ़ रहा था. मैं सीजन 1 में पहाड़ चढ़ने चला गया था. नो, यू वर प्रिपेयरिंग सीजन 3 के लिए. हाँ, तो ऊपर वो पहाड़ जाके प्रिपेयर कर एक पहाड़ मेडिटेशन करके आया हूँ. कौन सा पहाड़ में इतनी बुरी हार मिली थी? मैंने बोला सीजन 2 ब्रेक लेके आता हूँ सीजन 3 में. अच्छा, हार की बात कर रहे हैं तो कैरी सीजन 1 और सीजन 2 में आप नहीं जीत पाए, फिर भी जोड़ दो सीजन 3. तो सीजन 3 में क्या ऐसा कैरी आप करने वाले हो? दो सीजंस का एक्सपीरियंस है जीतने के लिए. व्हाट यू गोना डू बताओ, क्या करने वाला हूं भाई? हारने वाला है तो देखो साफ बता दूं, पहले डिसाइडेड है. पहले से ही है, फिक्स कर रहा काम में. फिक्स है ही सीजन 4 में यही वाला आपका जो डायलॉग है मार लेना. हाँ, कि तीन सीजन हार गए. कोशिश है इस बार रिकॉर्ड बना रहा है. इस बार भी कोशिश है जीतने की. इस बार कर रहे हैं कोशिश. हाउ इज द जोश? ये जीत जोश इज वेरी लो सर. आ रहा है जोश. आएगा धीरे धीरे निकलेगा जोश. मैं ये जानना चाहती हूँ, आई आस्क्ड यू कि कम्पेटिटिवनेस थी या नहीं. आप चारों में से सबसे ज्यादा कम्पेटिटिव कौन था ट्राई आउट्स के दौरान, ये? बिडिंग के दौरान? ये आपने वो अभी तो कह रहे थे कूल. मैं तो वो मूवी देखी आपने? मेरे को लगा वेलकम कर रहे थे. हाँ. उसमें नाना पाटेकर नहीं घोड़े पे चलते हैं जब, तो वैसा भाई पूरा आउटफिट पहन के आए थे पूरे कम्पेटिटिव अच्छे से. आज तो तुम देखो मैं चलाऊंगा ट्रैक पे. हाँ, और इसको सही चलाया फिर बैठ के मैंने ऊपर. भाई मेरे ऊपर ये बैठ सकता, मेरे ऊपर ये देखिए तूने. अब देख, तू अपनी हाइट देखिए, मेरे ऊपर कहाँ बैठेगा भाई? ने न्यूज नहीं देखी. जैसे वो नहीं होती बच्चों की ट्रॉली, नहीं होती बच्चों की ट्रॉली लगूंगा मैं तेरे सामने. उस पे बैठने में ज्यादा मजा आता. बैठने में कहाँ मजा आता मुझे, बड़े घोड़ों की जगह छोटे गधों पे बैठने में मजा आता तुझे. आप दोनों पहली बार आई थिंक साथ काम कर रहे हैं, राइट? तो क्या आप दोनों की कैमराडरी कैसी रहे पूरी? बट आई डोंट इवन नीड टू आस्क दैट. मतलब वो देखने को मुझे मिल रहा है, वो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं. एक दूसरे की नाक खींच रहे हैं, मजाक मस्ती करते हैं, वैसे तो सगे भाई हैं हम. यूट्यूब के दो सबसे इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर्स जो लोगों को रोस्ट करते हैं इतने ब्रूटल तरीके से, आप दोनों आप एक दूसरे को करते हो फुल ऑन? अभी तो आपने देख लिया वैनिटी में कर रहे थे हम ट्राई आउट्स के दौरान. किसके साथ आपको लगता है इस सीजन में आपकी कड़क राइवलरी हो सकती है कि यार ये इसके साथ मेरी शायद 36 का आंकड़ा रहने वाला है भाई, कड़क राइवलरी दिखेगी. वुड यू थिंक मॉर्टल?
मॉडल तो सही बोला यार, मेरे ख्याल से इन दोनों की होगी, मतलब हम दोनों की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नो और योगा वाले अलायंसेस बन रहे हैं, है ना? हां मतलब ये अच्छा आईडिया है वैसे। या यू कैन यू इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम दोनों अलायंस बना लेते हैं यार। रियलिटी शो है, एक गेमिंग शो है, कॉम्पिटिटिवनेस होती है। राइवलरी में इस हिसाब से कह रही हूँ कि किसकी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग टीम होगी और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा ड्रामा और वी कैन सी दैट अ लिटिल बिट ऑफ आर्गुमेंट। अभी तो बता क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि अंत तक सब भाईचारे में ही चला जाए। ऐसे नटखट बंदे देखो मेरी टीम में दो हैं, वो अलग से हैं, वो भाई तेरी बंदी वाली भी, तेरी बंदी वो जो वो है वो भी है, मेरी बंदी है वो। अरे वो तेरी बंदी नहीं है, दूसरी। हां वो वाली, वो वाली। हां एक मेरे में बहुत डेंजर बंदी है और एक भाई की जो नहीं हो पाई वो भी मेरी में ही है, तो मेरे हिसाब से मजा आएगा। जिसने योगा किया, हेल्दी कंपटीशन, मतलब लिटरली हेल्दी कंपटीशन। नाउ इन द ट्रायआउट्स एवरीवन विल बी कि यार ये योगा किसने किया, ये बंदी का बारी है, मुझे बताओ। उज्जवल व्हाट डू यू थिंक, यार किसके साथ कड़क रिवलरी दिख रही है? यार देखो एल्विश की टीम से ही होने वाली है, क्योंकि जब ट्रायआउट्स में दो लड़ाई हुई थी ना, सबके मेरे को लग रहा है एल्विश की टीम में एक एक दुश्मन है। सब मेरा वो भी टीम है भाई, मेरी टीम में मेरा खुद का दुश्मन है। कैरी का तो अलग ही, मैंने टीम बनाई इसी तरीके से है कि किसी से दोस्ती भी ना हो और दुश्मनी भी ना हो। ऐसा ऐसा क्यों, आपकी टीम में आपके दुश्मन क्यों है? वही ऐसा कैरेक्टर ही वो सबका दुश्मन है। ऐसा तो नहीं कि इनमें से किसी ने अपनी टीम का कोई, मैं मान ही नहीं सकता लोग, ये लोग ऐसे ऐसे एक ऐसे इंसान को जानते जो ऐसा हो। वो किसी का भी नहीं है, किसी का रोज पकड़ाता है, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, ऐसा कहीं घर वालों तक कभी शायद नहीं है वो ना। ऐसा सही है, बोल तो ऐसे ही रहा था, ऐसा ही हो कह रहा था मैं, किसी का नहीं हूं यही ज्यादा जानता। फिर तो सबसे ज्यादा आपको उसी से खौफ होगा। हां मैं वही तो कह रहा हूं, वो मेरा ही दुश्मन है, मेरी टीम का दुश्मन है, तभी लिया है मैंने। एल्विश हु डू यू थिंक, किसके साथ कड़क वाली रिवलरी दिख रही है, हो सकते हैं आप तो ज्योतिष भी हैं। ज्योतिष भी है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो देखो, अभी इंटरव्यू में आपके सवाल अच्छे चल रहे हैं तो अभी तो आपसे तो नहीं होनी, हमारे भैया से हो सकती है शायद, वो भी प्यारे वे में, हेल्दी वे में। कैसे होता है वो प्यारा वे? अभी करेंगे वैनिटी में, वैनिटी में करके दिखाएंगे। ओके सो आप चारों को यू हैव टू रैंक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, लाइक वन स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीकेस्ट मॉडल, टीम वाइज। ओके किसकी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट है? टीम वाइज ऑफ कोर्स, लाइक वाइज आई वुड से मैं वन पे हूं। टीम वाइज बोला, मेंटर वाइज नहीं बोल रहा हूं। अरे हां यार भाई, तुम मेंटर वाइज भी वन पे हो, मेंटर वाइज भी वन पे, टीम वाइज वन पे हूं, एलिस सेकंड पे है, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। क्या इसकी टीम में भाई, इसकी टीम में वो है शैतान, वो तो शैतान है ना, तभी तो उसको छोड़, बाकी तीन मेरे बेकार हैं यार, एक ही खींचता है तीनों को नीचे। अरे यार यही होता है, मैं सोच रहा था ये मेरा नाम लेगा पहला, मैं ऐसे करके बैठा हूं, मैंने कहा बोल, इसने तो मुझे लास्ट ही बता दिया, मैंने कुछ नहीं किया। उज्जवल अपनी टीम है, क्योंकि मेरी टीम में एक ऐसा खतरनाक बंदा है ना जो मचाएगा शो पे। इसकी टीम में वो कौन है पता चले? आदित्य। आगे आदित्य पंचोली, आदित्य सिंधु। क्या करता है वो? गेमर, प्रो गेमर नहीं है, सब वो ओवरऑल सब में से कर। अच्छा ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं कि अपने बंदे के बारे में पता है नहीं, अगर पास हो गया मतलब। हाँ ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया ना, अब नीचे नीचे आते हैं। तो फर्स्ट पे मेरी है, सेकंड पे यार मॉर्टल की, मॉर्टल की टीम में है, सेकंड पे मॉर्टल, थर्ड पे कैरी, फोर्थ पे एल्विश। भाई मेरे बंदों को कंसीडर नहीं है, योगा वाली भी है उसमें, योगा वाली आपके पास आ गई ना, चिढ़ रहा है लास्ट डाल है, कैरी और चिढ़ रहा। आप बताओ, तो मैं अपनी टर्न में को खेलना पड़ेगा अब, सही मैं समझ गया हूं, अपने को फर्स्ट पे डाल रहा है। हां दो सीजन के बाद अब तो समझ आ जानी चाहिए। मैं अपनी तो ऑब्वियसली सब फर्स्ट बोल ही रहे हैं, तो मैं भी अपनी फर्स्ट ही बोलूंगा, है कि नहीं? फर्स्ट 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 मेरी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, तेरी है ही नहीं बाहर, है ही नहीं बाहर, पहले संडे पहले दो हफ्ते बाहर, तू आएगा नहीं, तू पहाड़ चढ़ने जा। देखते देखते मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मुझे पता नहीं इनकी टीम में कौन कौन है, मतलब भूल गया मैं, पता था पहले तो। जैसे अभी डिफॉल्ट सेटिंग चल रही है, अपने आपको नंबर एक पे रखना है, तो एक पे मैंने रख लिया अपने आपको, और तीनों भाई में अक्कड़ वक्कड़ करके दो तीन चार कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसको मतलब नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे बस मजे लेने से मतलब है। हाँ एंटरटेनमेंट होना चाहिए,
आप चारों के साथ, क्योंकि ये है Amazon मिनी टीवी पे वर्ल्ड का नंबर वन और पहला गेमिंग और एंटरटेनमेंट रियलिटी शो, एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त. एंड नेक्स्ट, आप चारों को क्या लगता है, ये चारों के लिए क्वेश्चन है ठीक है, किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं जीतने के? अभी आप टीम के वाइज ले लो या मेंटोर के वाइज ले लो, क्योंकि गेमिंग भी है और एंटरटेनमेंट दोनों का कोलैबोरेशन है इस रियलिटी शो में. ऑनेस्टली इस बार जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग का एक बैलेंस रख के टीम बनाया गया था, एंड मैंने उस चीज को बहुत ध्यान में रख के टीम बनाया अपना, तो मुझे सही में लगता है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है. सी, आपको लगता है कि आपके चांसेस सबसे ज्यादा है जीतने के? उज्जवल, अपनी टीम के बोलेंगे यार, दूसरा तो टीम बनाएंगे, सब अपना बोलेंगे, सब पक्का, क्योंकि इधर हम चारों ने सोच समझ के मेरे को जानने को पॉलिटिकली करेक्ट जिस तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट, कि हम अपने आप को वाउच नहीं करेंगे, हमारी टीम बोलेगी तुम्हें खुद ही यकीन नहीं है टीम जीतेगी. जिस तरीके से मॉडल ने बोला है ना, ऐसे बिल्कुल एथलीट की तरह ऐसे रख के, नहीं मेरी टीम, मैं भी ऐसे ही बोलना चाहता हूँ. सो सी, आई हैव आल्सो कैलकुलेटेड एंड थ्रू माय कैलकुलेशंस आई हैव फाउंड दैट माय टीम इज सुपीरियर टू द अदर ह्यूमन बीइंग्स हियर दैट एग्जिस्ट. सो आई थिंक आई शुड डिजर्व द फर्स्ट प्लेस एंड माई टीम इज गोइंग टू बी एट द टॉप, क्योंकि मैंने भी बहुत क्लियरली फोकस करके और बहुत ही स्ट्रैटेजी लगा के, आई हैव बीन अ चेस प्लेयर फॉर मोर देन 6 years, इन केस You don't know, you know. So after that, जब मैंने अपनी मैथ्स में PhD करी, I realized कि यार अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो obviously मेरी टीम ही जीतेगी. So yeah. आपने मैथ्स में PhD की? Yes. और 6 साल चेस. जैसा इसको सिखाया था वैसे ही बोला है. 6 साल चेस. इन्हें कॉलेज का गेट भी नहीं देगा. That's what I was about to say. कि last time और कैरी मनाफी कॉलेज के गेट तक नहीं गए. ये क्या चल रहा है? अरे आपको कैसे पता मैं गया था यार कॉलेज? IIT में गया. आपके चर्चे दुनिया भर. IIT गया हूँ यार मैं. अरे मैं IIT गया हूँ. मैं पढ़ने नहीं गया, मैं स्पीच देने गया था यार. How to roast? Right? उज्जवल. हो गया इसका तो. यार वही है, अपनी टीम ही जीतेगी और सीन क्या. अगर मैं नहीं बोलूंगा तो अपनी टीम में वो गाली बकेगा यार, तो खुद ही भरोसा नहीं है. बट ये है कि हाँ मेरी टीम में है एक प्लेयर तो ऐसा है जिसमें वो पूरा विश्वास है कि ये लेके जाएगा. क्या टीम है? वैसे ही नहीं जीत रही है. ये लोग कह रहे हैं टीम जीतेगी, बंदा जीत रहा है. तुम लोगों ने बोला टीम जीत रही है. क्या भाई बंदी भी अब हम तो टीम ही जीतेगी हमारी तो जीत तो लेकिन बंदा रहे ना बंदी भी बंदा जीतेगा लेकिन टीम भी तो जीतेगी. टीम के हमें खुद बाहर करने पड़ेंगे ना. ये देखो इनको अभी शो नहीं पता. वो तो चल पता ही लग जाएगा कौन जीतेगा. देखो शो चेंज हो चुका है, पता लग जाएगा. कैलकुलेशन शो नहीं पता. मैं ही जीतूंगा. क्या बात है, बहुत कैलकुलेशन. यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई कि एक सिंगल इंडिविजुअल प्लेयर जीतेगा या फिर टीम जीतेगी. सो कुछ लाइट इस पे. सीन क्या है, सीजन 1 और सीजन 2 में टीम जीतती थी और इस बार एक इंडिविजुअल प्लेयर जीत रहा है जो हर चीज में बेस्ट होगा, गेमिंग में भी और फिजिकल टास्क में भी और ओवरऑल एंटरटेनिंग में भी. जो बेस्ट होगा वो एक इंडिविजुअल प्लेयर जीतने वाला है. तो टीम के अगेंस्ट तो हम आपस में टीम्स की फाइट चली रही है, साथ का जो इन टीम है उसमें भी बैटल चालू होगी क्योंकि एक ही बंदा जीत के जाना है एट द एंड. सो डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं इससे काइंड ऑफ ये हो जाएगा कि यार इंडिविजुअल एक टीम्स एक बहुत रहता है ना कि टीम माइंडसेट रहता है कि नहीं मुझे अपनी टीम के लिए खेलना है. बट विद दिस इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि नहीं आई हैव टू प्ले ओनली फॉर माई सेल्फ. यू थिंक इसीलिए हम लोग हैं क्योंकि जब ये होगा तो हमें बाकी तीन को बोलना है कि तुम सपोर्ट करो उसको. ओके. अगर सभी केकड़े बन जाएंगे तो कोई ऊपर नहीं चढ़ पाएगा. एग्जैक्टली एक को धक्का देना पड़ेगा तीनों को ऊपर. सो दैट्स व्हाई मेंटर्स आर देयर. ये जो टीममेट्स आने वाले हैं ठीक है प्लेग्राउंड के सीजन 3 में. प्लीज ये पता लग गया ये करना है हमको. मैं तो कुछ सोचा ही नहीं था. नई नई चीजें अब आप इस सीजन में सीखोगे. लास्ट क्वेश्चन कि एक कंटेस्टेंट या जो भी जिसकी भी टीम में है आपको अगर स्वॉप करने का मौका मिले अपनी टीम में, who would it be? Let's start with Elvish. No, let's start with Techno. इनका तो पता ही है. वैसे मेरे को करना नहीं है. इनका तो मुझे भी पता लग गया. शो से पहले. Imagine. शो से पहले ही कली. मेरी टीम सही है, वो खुश है मेरे साथ. But मैं Techno भाई की खुशी के लिए कर लेंगे. भाई कहेंगे 3 बार तो कर लेंगे. Okay. मेरा एक्चुअली मेरी बहुत चुन के मैंने टीम ली थी. सो देर इज मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं रिप्लेस करना चाहूँगा. सो माइन इज परफेक्ट.
नो नीड टू रिप्लेस. तो अभी भी नहीं, मैं तो एंड मोमेंट तक भी नहीं करूंगा रिप्लेस और ना ही बाहर होने दूंगा. नो योगा से होगा? अरे योगा उधर है तभी तो इधर ले आना. नहीं नहीं करना मैंने वो दिमाग में रख के बनाया था as he said. So it was really nice talking to you. So last words from for them in this camp. What do you want to say to them? भाई प्लेग्राउंड 3 देखिए अमेजोन मिनी टीवी पर, एकदम फ्री में होने वाला है. फ्री में भसड़, फ्री में एंटरटेनमेंट देखने मिल रहा है. और क्या चाहिए तुम लोग को? जैसे कि इन्होंने बोला, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने में मज़ा आता है. देखो मिल रहा है तुम्हें. प्लेयर्स के साथ साथ मेंटोर बैटल तुम्हें पता ही चल गई है, तो तुम्हें ये सब मसाला चाहिए ही होता है. तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही आगे देखने वाले हैं लोग. देखो सब भाड़ में जाए, हमारी टीम जीतनी चाहिए. प्लीज सपोर्ट देना बागी आला बिहार. जैसे हम लोगों को आप सपोर्ट करते हो, हमारी टीम्स को भी ऐसे ही सपोर्ट करना. और एक को ही करना इधर वाले कोई बस. इट वाज नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत मेरे को अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई होप वन ऑफ यू विंस और वन ऑफ द टीम विंस जो भी होगा. सो क्योंकि ये है Amazon Mini TV पे प्लेग्राउंड सीजन 3 वर्ल्ड का नंबर 1 और पहला गेमिंग और एंटरटेनमेंट रियलिटी शो, जिसमें आपको बहुत सारी गेमिंग के टास्क देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, वो भी यार एकदम मुफ्त. तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करने का, ओनली ऑन Amazon Mini TV. और इन चारों का जो ट्राई आउट का सीजन होने वाला है, आगे के एपिसोड्स होने वाले हैं, डो नॉट मिस इट.